इलेक्ट्रिकल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग प्लेइंग शील्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना है। सो नॉन कंडक्टिंग शीट इज देयर सो व्हाट एवर द चार्ज यू हैव सप्लाई टू द शीट दैट विल बी स्प्रेड इनसाइड द सरफेस एरिया जो आपका ओवरऑल सरफेस एरिया रहेगा उसमें वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। जैसे ये आपकी कंडक्टिंग शीट है ठीक है एंड जो चार्ज आपने सप्लाई किया देखिए जो आपकी नॉन कंडक्टिंग शीट है वो नॉन कंडक्टिंग शीट जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि सपोज ये आपकी एक शीट है इस तरीके से प्लेनर शीट है उस प्लेनर नॉन कंडक्टिंग शीट को जो चार्ज मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो चार्ज क्या होगा इस सरफेस पे भी स्प्रेड होगा और इस पीछे वाली सरफेस पर भी क्या होगा स्प्रेड होगा। तो मैंने डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनाया देखिए ये आपकी बुक है तो देखिए चार्ज यहाँ भी स्प्रेड होगा और चार्ज जो है वो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यही यदि आपकी शीट कैसी होती कंडक्टिंग होती तो चार्ज सिर्फ आपका इस कॉमन बाउंड्री पे स्प्रेड होता और ये जो बाउंड्री है ये दोनों सरफेस के लिए कॉमन होती। तो जब हम कंडक्टिंग प्लेन शीट लेंगे तब एक ही सरफेस एरिया सेलेक्ट करेंगे जबकि जब आपकी नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी हुआ है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी हुआ है। तो नाउ अब इस शीट की वजह से आपको क्या करना है फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। जैसे इस शीट की वजह से ये पॉइंट लिया यहाँ एक पॉइंट है जैसे एक पॉइंट है ये इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक पॉइंट यहाँ है तो वैसा ही एक सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पर भी होगा क्योंकि जो चार्ज यहाँ स्प्रेड है वो चार्ज यहाँ पर भी स्प्रेड है। तो जब भी आप नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट पर तो जो पॉइंट रहेंगे दो पॉइंट रहेंगे विच आर सिमेट्रिक। So now we are interested कि suppose we are considering that surface area of both the surface of plane sheet is A. Surface area of both the plane is A and surface charge density of the sheet सिग्मा तो सिग्मा क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा इनटू ए। ये आपका क्या हो गया टोटल चार्ज स्प्रेड। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है इस शीट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा मैं सिमेट्रिक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं। Now we are interested to find the field intensity at the point P. ये point P है, which is at a distance r. From the sheet. ये जो point P है, वो sheet से r distance पर है. अब जो point हमने P लिया है, वैसा ही एक point P symmetrically आपका एक पॉइंट और होगा P डैश जो सिमेट्रिक अपोजिट रहेगा इसके ठीक है। तो उस पर भी आपको क्या करना है फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड P डैश विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट सो टू कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी Now to calculate the field intensity at a point P, first we enclose the charge by a hypothetical Gaussian surface and for that we are choosing a cylindrical Gaussian surface. So hum kya karenge? Cylindrical Gaussian surface select karenge. Isi tarike se
ये एक सरफेस यहाँ भी सेलेक्ट होगा, देखिए पॉइंट पी डैश यहाँ होगा, ये आपका इस तरीके से सिलेंड्रिकल क्या हो जाएगा, गाउसियन सरफेस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपकी शीट है, ठीक है, तो जो सिलेंडर है वो इस तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है दोनों साइड, यहां से यहां, एक तरीके से पेल्पेलॉइड है, ठीक है, जो चार्ज को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, ठीक है। सो नाउ टू कैलकुलेट द फील इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड पी डैश, थोड़ा सा आपका पॉइंट now at each and every point of the Gauss's surface electric field is radially outward and uniform. जब देखिए इस sheet पर field कैसे होगा, इस तरफ, और area vector भी इस तरफ। अब जो sheet का दूसरा side है वहां पर भी field radially outward होगा, तो field की direction again बाहर की तरफ और area vector भी बाहर की तरफ, दोनों तरफ। जैसे ये आपकी sheet आपने ऐसे रखी है इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से फील्ड बाहर की तरफ होगा, और दूसरी वाली जो शीट है उस पर भी चार्ज इस तरफ से है तो फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन बोथ द सरफेस इज रेडियली आउटवर्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय शीट कितना हुआ, E dot ds, and that is E dot ds due to 1 plus E dot ds due to 2. ठीक है, अब ये जो आपकी सरफेस है गाउसियन सरफेस जो चार्ज को इंक्लोज कर रही है, इसका सरफेस एरिया हमने क्या ले लिया, A, ठीक है, और ये भी उसी तरीके से, तो इसका एरिया भी क्या हो गया, A, तो ये हो गया E इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस ई, क्योंकि ई डी एस कॉस जीरो हर बार, तो मैं सीधा यूनिफॉर्म ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया, ये ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए, तो ये हो गया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए दैट इज टू ई ए, क्या हो गया, टू ई ए। Now apply the Gauss theorem. E dot ds is what, 2 in upon epsilon naught. So E dot ds की value है 2 ea और इसकी value है capital Q by epsilon naught. Capital Q की value क्या थी, sigma into a. Surface charge density के term है, तो ये हो गया sigma into a by epsilon naught. तो ए से ए कैंसिल हो गया, टू इस तरफ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है दैट नेवर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट। ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रही है। इस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रही है। ये आपका पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, या इस तरफ भी, इस तरफ हो, इस तरफ हो, किसी भी डिस्टेंस पर हो, फील्ड की जो वैल्यू है वो पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी। यदि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, और यदि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड। इज इट क्लियर, सो दैट इज द आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। ये
गॉसियन सरफेस आपको समझ में आया किस अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है? एनी डाउट इन दैट पार्ट? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. In the last session, what we have discussed, electric field intensity due to non-conducting plane sheet, and the electric field intensity due to non-conducting plane sheet at point P which is the distance r from the sheet, that electric field intensity comes sigma upon 2 epsilon naught. So this relation gives an important conclusion that electric field intensity is never depends upon the position of point from the sheet. इस point की location क्या है, उस point की location पर आपका field intensity depend ही नहीं करता है. Field intensity is totally depends on the surface charge density. यदि आपकी surface charge density positive है, then electric field intensity is readily outward. And if the surface charge density is negative, then electric field intensity is readily inward. यानी towards the sheet होगी. और यदि positive charge density है, तो electric field away from the sheet होगा. Is it clear? Now, next up. Yes, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो हमने लास्ट आर्टिकल डिस्कस किया था कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब इस रिलेशन में कहीं पर भी पॉइंट की लोकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो आ ही नहीं रहा, पोजीशन वेक्टर आ ही नहीं रहा है, मतलब पॉइंट पी की लोकेशन कहीं पर भी हो शीट से, फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती है. पॉइंट पी यहां हो, पॉइंट पी यहां हो, पॉइंट पी यहां हो, किसी भी लोकेशन पे होगा पॉइंट पी, उस पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा फील्ड इंटेंसिटी. फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी पर. यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है शीट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द शीट. और यदि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द शीट. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट एप्लीकेशन, that is electric field intensity due to conducting plane sheet. क्या है आपके पास? conducting plane sheet है, और उसकी वजह से आपको क्या calculate करना है? field intensity calculate. एक सेकंड. तो कंडक्टिंग शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा वो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज दैट योर कंडक्टिंग प्लेन शीट कंसिस्ट ऑफ चार्ज क्यू, एंड व्हेन यू सप्लाई द चार्ज टू द शीट, दैट विल बी स्प्रेड आउट ऑन इट्स आउटर सर्कमफेरेंस. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि ये आपकी शीट है, ठीक है, ये शीट है. अब आप that sheet is a conducting plane sheet, so whatever the charge you have supplied to the sheet, that will be spread out on its outer circumference. Is boundary par kya ho jayega aapka? Charge distribute ho jayega, kyunki conducting sheet hai, to conducting sheet ke andar field zero hota hai. As we discussed earlier, electric field inside the conductor is zero, so whatever the charge you have supplied to the conducting sheet, that will be spread on its outer circumference. और ये जो आउटर सर्कमफेरेंस है वो इस शीट के लिए और इस शीट के लिए दोनों के लिए कॉमन है. सो व्हेनेवर वी सप्लाई द चार्ज टू द कंडक्टिंग प्लेन शीट, दैट विल बी स्प्रेड ऑन इट्स आउटर सर्कमफेरेंस. इस बाउंड्री के चारों तरफ वो क्या हो जाएगा? चार्ज स्प्रेड आउट हो जाएगा. सो वी आर टेकिंग अ कंडक्टिंग प्लेन शीट या आपने कंडक्टिंग प्लेन शीट लिया, एंड वी आर सप्लाई द चार्ज to the conducting plane sheet, that charge will be spread on its outer circumference. ठीक है, ये सेंटर है. Now we are interested to find out the field intensity at a point P.
which is at a distance r from the sheet. ये तो point P है, ये again क्या है? R distance पर है. तो let's suppose कि surface charge density of sheet is sigma and total charge जो है वो कितना है q, then sigma is equals to q by a. तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sigma a. So the amount of charge supplied to the sheet is q and q is equals to sigma into a. ये आपका amount of charge आ जाएगा. Now basically we are interested to find out the field intensity at point P. So to find the field intensity at point P, first we enclose the charge which is supplied to the sheet. And to enclose the charge, we are taking a Gaussian surface, and that Gaussian surface is also in the cylindrical shape. कैसी होगी? Cylindrical shape में रहेगी. तो देखिए, जैसा यहाँ एक point लिया है, जैसा हमने last article में किया था non-conducting plane sheet के लिए, वैसा ही एक symmetric point हम यहाँ भी choose करेंगे. Same P dash, ठीक है? ये आपका P dash हो गया, और ये आपकी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हो जाएगी. दैट इज योर सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस. नाउ ईच एंड एवरी पॉइंट on the cylindrical Gaussian surface, electric field is radially outward and uniform. अब देखिए, जो हमने last article के अंदर electric flux enclosed by the closed surface calculate किया था, तो उसमें हमने दोनों surfaces select करी थी, outer यानी इस तरफ वाली और उस तरफ वाली. लेकिन यहाँ क्या होगा? Conducting plane sheet में ये जो सर्कम चार्ज जो है वो सर्कमफेरेंस पे स्प्रेड है, तो और ये जो सर्कमफेरेंस बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है वो दोनों शीट के लिए कॉमन है. जैसे देखिए, ये आपकी, जैसे मैं ये बुक ले लूं, तो बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री है इस प्लेन शीट के लिए और इस प्लेन शीट के लिए क्या है? सेम है. तो जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द सर्फेस कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा? एक सर्फेस के लिए ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपकी जो बाउंड्री है वो दोनों प्लेन सर्फेसेस के लिए कॉमन है. तो नाउ वी कैलकुलेट द फ्लक्स इनक्लोज बाय द क्लोज सर्फेस. सो टोटल फ्लक्स इनक्लोज बाय सिलेंड्रिकल गाउसियन सर्फेस दैट इज ई डॉट डी एस. That is EDS cos 0. Electric field uniform है, बाहर आ जाएगा. तो आपका flux कितना हो गया? E into A. Flux की value क्या आ गई? E into A. Now we apply the Gauss theorem E dot ds is what? Q in upon epsilon naught. तो E dot ds की value क्या आई है? E into A. और Q कितना है? Q by epsilon naught. अब Q की value हम sigma के terms में लिखे हैं, तो ये हो गया sigma A by epsilon naught. तो ए से ये कैंसिल हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया? ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट. यदि आपकी कंडक्टिंग प्लेन शीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इफ द शीट इज नॉन कंडक्टिंग देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज sigma upon 2 epsilon naught.
इज इट क्लियर? हमने जो नॉन कंडक्टिंग में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था वो क्या था, 2EA, क्योंकि जो चार्ज थी वो दोनों प्लेन सरफेसेस पे स्प्रेड आउट थी, जबकि कंडक्टिंग में क्या हो रहा है, आपकी चार्ज सर्कमफेरेंस पे स्प्रेड आउट है और दैट सर्कमफेरेंस इज कॉमन फॉर द बोथ द प्लेन सरफेसेस, तो ये E into A हो जाए, और इस E into A को हम किससे कंपेयर करेंगे, Q in upon epsilon naught, Q की वैल्यू है सिग्मा into A by epsilon naught, A से A कैंसिल हो गया, that is the electric field intensity due to conducting plane sheet, sigma by epsilon naught, is it clear? कौन सा Q in है ना, ये तो गॉस थ्योरम है ना, कौन सा ये phi E है, Q E नहीं है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E, E dot ds क्या होता है, E dot ds क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ ना, देखिए E ds cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, प्लेन सरफेस एरिया का सरफेस एरिया हमने क्या ले लिया A, हम जो गाउसियन सरफेस ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया A ले रहे हैं, जो सर्कुलर गाउसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया हम A सेलेक्ट कर रहे हैं, इज इट क्लियर, किसी को डाउट? नाउ क्वेश्चन ऑन दिस आर्टिकल, वी हैव टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट A एंड B, देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ये A एंड B आर टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q एंड एट पॉइंट R ड्यू टू दीज टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट हैविंग अ अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट व्हिच नेवर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट, ठीक है, अब इस पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है दोनों की वजह से, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू टू, और इसका वेक्टर एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ए एंड बी हैविंग अ अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ठीक है, मतलब इस ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, अब आपको थ्री डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस सिस्टम की वजह से, पॉइंट पी पर, पॉइंट क्यू पर और पॉइंट आर पर, तो पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से जो होगी उसका वेक्टर एडिशन करना है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखिए इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अवे फ्रॉम द शीट, ये हो गया ई पी वन, ई पी वन का डायरेक्शन समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू वन इज अवे फ्रॉम द चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू सेकेंड शीट इज टूवर्ड्स द चार्ज, ई पी टू की डायरेक्शन क्या होगी उसी डायरेक्शन में टूवर्ड्स द शीट, देखिए पॉइंट पी पर शीट वन की वजह से इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, अवे फ्रॉम द शीट होगी, और पॉइंट पी पर सेकेंड शीट की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी टूवर्ड्स द शीट होगी, तो देखिए दोनों फील्ड एड हो रहे हैं, सिंपली एड हो गया, तो देखिए फील्ड दोनों की वजह से सेम ही है, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
इज इट क्लियर? अब मुझे पॉइंट क्यू पर कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट क्यू पर देखिए, पॉइंट क्यू पर ए की वजह से देखिए ई क्यू कैसे लिखेंगे, ई क्यू इज इक्वल टू ई क्यू वन प्लस ई क्यू टू। तो पहले ये पॉइंट क्यू है, वन की वजह से अवे फ्रॉम द शीट और टू की वजह से टूवर्ड्स द शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू ड्यू टू वन इज अवे फ्रॉम द शीट, तो ये शीट से दूर की तरफ हो जाएगी, और ड्यू टू शीट टू इज टूवर्ड्स द शीट। तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, जीरो। फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। अब सेम यही लॉजिक आर के लिए भी होगा, देखिए ई आर इज इक्वल टू ई क्यू सॉरी ई आर वन प्लस ई आर टू। तो देखिए ई आर वन एंड ई आर टू यहां पर पॉइंट आर पर इसकी वजह से क्या होगी, अवे फ्रॉम द सी ई आर वन, और ई आर टू की डायरेक्शन टूवर्ड्स द शीट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इसकी, तो टूवर्ड्स द शीट हो जाएगी। दोनों कैंसिल करेंगे, अगेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट जीरो। तो पॉइंट बी पर ऐड हो जाएगा फील्ड, जबकि पॉइंट क्यू और आर पर क्या हो जाएगा, फील्ड सब्ट्रैक्ट करेगा, द फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। इज इट क्लियर? एनी डाउट? इज एनी डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वैरायटी में, कि सपोज दीज टू शीट हैव अ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी दोनों की प्लस हो जाती, तो फिर पॉइंट पी क्यू और आर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होता? देखिए ये दोनों शीट है, इफ बोथ द शीट हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दे आर नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट हैविंग अ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा। अब आपको पॉइंट पी पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन तो वही है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए ई पी पर फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ई पी वन करता एडिशन ऑफ ई पी वन प्लस ई पी टू। अब देखिए दोनों आपके पॉजिटिव शीट्स हैं, जो दोनों की पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द शीट, तो इस वन की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये हो गया ई पी वन, और सेकेंड शीट की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द शीट, तो ये हो गया ई पी टू की डायरेक्शन। तो आप देखिए जहां प्रीवियस केस के अंदर दोनों फील्ड ऐड हो रहे थे, यहां दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हो गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया जीरो। तो प्रीवियस केस में जहां फील्ड इंटेंसिटी दोनों में क्या आ रही थी, ऐड हो रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रही थी, यहां फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इज इट क्लियर? अब पॉइंट क्यू पर देखिए, EQ1 प्लस EQ2 दोनों का वेक्टर एडिशन, तो पॉइंट Q पर 1 की वजह से अवे फ्रॉम द शीट, ये EQ1, और पॉइंट Q पर पॉइंट सेकेंड शीट की वजह से अवे फ्रॉम द शीट, तो EQ2 की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ये EQ2 दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की अवे फ्रॉम द शीट होगी, तो ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आर पर, पॉइंट आर पर वन की वजह से और सेकंड की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका वेक्टर एडिशन। तो पॉइंट आर पर देखिए, शीट वन की वजह से अवे फ्रॉम द शीट ई आर वन, और सेकंड शीट की वजह से भी अवे फ्रॉम द शीट ये ई आर टू। अगेन दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की वजह से फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द शीट होगी, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट फील्ड आपका क्या होगा, बीच में जीरो हो जाएगा और दोनों जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उन पर फील्ड एड ऑन हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट पी एज शोन इन अ फिगर, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू विच पार्ट। यानी आपको क्या कर, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और टेन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिया है, एक प्लेन शीट है आपकी, कंडक्टिंग प्लेन शीट है, कैसी शीट है, कंडक्टिंग प्लेन शीट है, उससे एक थ्रेड के थ्रू एक बॉल आपने हैंग कर रखा है, ये बॉल भी, ये सिल्क थ्रेड है और ये थ्रेड जो है वो क्या एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, और इसकी जो आपकी शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको क्या दे रखी है, सिग्मा, क्या दे रखी है, सिग्मा। तो आपको बताना है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एंगल के किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। सो टू कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये बॉल जो बी है, ये बॉल बी आपको क्या बोला है कि बॉल बी इज एन इक्विलिब्रियम, तो इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या है, उन सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम क्या है, जीरो। तो देखिए ये जो थ्रेड है उस थ्रेड में बॉल बी की वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, इस बॉल का मास एम है तो इसका वेट एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और तीसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि देखिए ये आपकी प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट से थ्रेड के थ्रू बॉल कनेक्टेड है, तो फील्ड इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द शीट क्योंकि पॉजिटिव शीट है, तो इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए इस बॉल पर तीन फोर्सेस लगे, पहला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स राइट साइड में, वेट ऑफ द फोर्स डाउनवर्ड, और टेंशन जो टी है वो इस डायरेक्शन में लगे। और अब इस टेंशन के हम रिजोल्यूशन करें तो ये आपका थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा तो उसके प्रोपोर्शनल में ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, और इस बॉल पर लगने वाले सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो देखिए टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू या एफ ई, एफ ई को हम लिख देंगे क्यू इंटू ई, क्या लिख देंगे क्यू इंटू ई। तो देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन टू ले ली सपोज और ये इक्वेशन वन ले ली, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 1 करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट क्या है, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू Q इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। देखिए हमने फील्ड इंटेंसिटी क्या ले ली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई, देखिए सिग्मा का वैल्यू आया
एम जी टेन थीटा एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू। सिग्मा का वैल्यू क्या आया, एम जी टेन थीटा एप्सिलॉन नॉट बाय क्यू। तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। इज इट क्लियर, आया समझ में? ठीक है, सो इस वैरायटी के हम और भी क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में एक टॉपिक हमारा जो बाकी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है वो बेसिकली टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है।